नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल ग्राफिका हिंदी में। दोस्तों आज हम कोरल ड्रॉ में CMY के डिजाइन जो होती है उसका सेपरेशन कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे और उसमें हाफ टोन इफेक्ट कैसे डालेंगे आज उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों वीडियो को आगे देखते रहिए, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहे हैं आजकल, तो आप जरा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमको काम करने में आपके लिए वीडियोस बनाने में और भी अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और अभी यहाँ पर हम एक डिजाइन ले आते हैं। ये एक हम इमेज लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं ये एक इमेज है। इसको हम CMY के सेपरेशन करेंगे, किस तरह से करना है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इसकी साइज कर लेनी है, या फिर आपने जो भी कोरल ड्रॉ में डिज़ाइन डेवलप किया है तो आप उसको साइज कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 10 इंच कर लेता हूँ। ठीक है, 10 इंच का डिज़ाइन विड्थ में ये हो चुका है। और आपको क्या कर लेना है, जो आप डिज़ाइन डेवलप करेंगे उसकी एक कॉपी अलग से साइड में रखिए, या फिर उसका एक अलग फाइल बना लीजिए, सेपरेशन का फाइल अलग बना लीजिए और आपका जो डिज़ाइन है जो आपने डेवलप किया है उसका एक फाइल अलग बना लीजिए या एक अलग पेज रख लीजिए, ताकि आपका जो डिज़ाइन ओरिजिनल बना हुआ है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, पहले आप वो कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपका डिज़ाइन रहेगा, ये डिज़ाइन है, उसको आपको बिटमैप में जाकर कन्वर्ट टू बिटमैप करना है। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दीजिए 600 dpi। 600 अच्छा रहता है रिजल्ट उसमें, इसलिए मैं यहाँ पर 600 कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप 600 dpi कर लीजिए। ठीक है, ये अभी CMY के में कन्वर्ट हो चुका है। अभी फ्रेम बनाने के लिए रजिस्टर देना पड़ता है, तो उसके लिए हम रजिस्टर मार्क बना लेते हैं इस तरह से। इसका हम साइज ले लेते हैं 10 mm और एक प्लस करके इसको हम 90 डिग्री में इसको घुमा देते हैं, तो ये एक प्लस वाला साइन हो जाता है। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं। इसका 0.5 पॉइंट है, ये सही है। अभी इसका कलर हमें चेंज करना है, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ऐसा चार्ट आ जाएगा। इसमें आप यहाँ पर कलर साइन भी 100, मजेंटा 100, येलो 100 और ब्लैक 100, चारों 100% डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद ओके कर दीजिए। ये रजिस्टर मार्क आपको रखना है, ये डिज़ाइन के चारों ओर रखना है इस तरह से। इसको आप छोटा भी ले सकते हैं, मैंने अभी 10 mm लिया है, आप 5 mm भी ले सकते हैं प्लस की साइज, लेकिन ये मैंने केवल वीडियो बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए मैंने इसे 10 mm लिया है। ठीक है, ये इस तरह से डिज़ाइन के चारों ओर आपको सेट कर देना है और इसे आप ग्रुप कर लीजिए और उसके बाद इसको कन्वर्ट टू बिटमैप कर दीजिए 600 dpi। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। 600 dpi में CMY के मोड पे ये बिटमैप हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसी पेज की डुप्लीकेट ले लेनी है, चार बार डुप्लीकेट लेनी है, तो चार डुप्लीकेट चाहिए अपने को, तो डुप्लीकेट पेज कीजिए। और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन खास देखना है, कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये ओके कर दीजिए। फिर एक और ले लीजिए, ओके। फिर एक और ले लीजिए, ओके। तो ये हमने चार पेज यहाँ पर बन चुके हैं इसके, और एक हमने जो साइड में बचा के रखा है फर्स्ट पेज, वो अपना ओरिजिनल डिजाइन रहेगा जिसे हमें छेड़ना नहीं है, और उसका कॉपी हमें लेकर इस तरह से करना है। ठीक है, अभी ये चार पेज हो गए और सबसे पहले सेकंड नंबर पेज को ले लेते हैं।
और इसे अभी क्या करना है आपको, इफेक्ट में जाना है, एडजस्ट चैनल मिक्सर, इस पर आपको क्लिक करनी है, ठीक है। और यहाँ पर अभी देख लीजिए, ये CMYK करना है, ठीक है, CMYK कर दीजिए। उसके बाद ये कुछ भी छेड़ना नहीं है, ये 100% ही रहना चाहिए, बाकी 00 यहाँ पर आपको क्लिक कर देनी है, ठीक है। प्रीव्यू आउट चैनल ऑन, ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ओके। तो ये जो अभी बना ये सैन कलर है, तो हमें यहाँ पर लिख देना है सैन, ये सैन कलर सेपरेट हुआ। इसी तरह से फिर हमें यहाँ पर मैजेंटा लेना है, इफेक्ट में जाकर एडजस्ट चैनल मिक्सर, और यहाँ पर हमें मैजेंटा लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैजेंटा ले लिया, ओके कर दिया, और यहाँ पर हमें इसका भी रिनेम कर देते हैं मजेंटा। और अभी आ जाते हैं हम येलो पे, चौथे नंबर के पेज पर, इफेक्ट एडजस्ट चैनल मिक्सर, और यहाँ पर हम ले लेते हैं येलो, ठीक है। इसका भी नाम हम चेंज कर देते हैं, रिनेम करके येलो, और लास्ट में ब्लैक, इफेक्ट एडजस्ट चैनल मिक्सर, और यहाँ पर हम ले लेते हैं ब्लैक, ओके, ठीक है। तो इसका भी हम नाम चेंज कर देते हैं ब्लैक, हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये हो गया सेपरेशन, अभी हमें हाफ टोन इफेक्ट डालनी है, ठीक है। ये शाइन हो गया, ये मजेंटा हो गया, येलो और ब्लैक, चारों पेज हमने कर दिए हैं। अभी चारों में आप यहाँ पर जो आपका भी फ्रेम बनने वाला है उसमें पता चले कि ये कौन सा फ्रेम है, किस कलर के लिए है, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं ब्लैक, ठीक है, इस तरह से। और येलो में आ जाते हैं, येलो में यहाँ लिख देते हैं येलो, ये हो गया येलो, ठीक है। इसे कॉपी कर लिया, सेकंड पेज मजेंटा, यहाँ हम कर लेते हैं मजेंटा, और फिर शैन यहाँ पे कर लेते हैं शैन, ठीक है। तो हमने नाम भी लिख दिए हैं यहाँ पर, शैन मजेंटा येलो एंड ब्लैक। अब हम इसे हाफ टोन इफेक्ट डालेंगे। हाफ टोन क्या होता है उसके लिए आप मेरा एक और वीडियो मैंने बनाया हुआ है, हाफ टोन क्या है, क्यों जरूरी है, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिए, यहाँ कहीं आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप जरा सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा हौसला और भी बढ़ता है आपके सब्सक्राइब करने पर, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। अभी हम देखेंगे कि हाफ टोन इफेक्ट कैसे डालते हैं, ठीक है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं, और CMYK में कैसे हाफ टोन देना है वो भी आप देख सकते हैं, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको इसी वीडियो में। तो अभी ये मैंने शाइन कलर लिया हुआ है, यहाँ आपको बिटमैप में जाना है, मोर एंड ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। यहाँ आपको हाफ टोन सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर इंच, और यहाँ पर आप कितने बारीक डॉट्स, मतलब कितने परसेंटेज का डॉट्स आप प्रिंट कर सकते हैं, ये आप जानते हो तो उस हिसाब से यहाँ परसेंटेज डाल दीजिए, और नहीं जानते तो आप अपने प्रिंटर से या अपने जो प्रिंटिंग करने वाला जो मैनेजर या वर्कर है आप उससे पूछ कर कि हाफ टोन कितनी डालनी है, वो यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी शैन है, तो शैन में हम 15% एंगल डालेंगे यहाँ पर डिग्री में, और यहाँ पर हमें कितना परसेंटेज डॉट देना है वो हम डालेंगे, यहाँ पर मैं अभी 45 पे दे देता हूँ, तो सभी में 45 के डॉट्स जाएंगे। और एंगल जो है वो कलर वाइज अलग अलग होते हैं, शाइन मजेंटा येलो ब्लैक के सबके अलग एंगल होते हैं, आप कौन से एंगल में प्रिंट अच्छी तरह से कर पाते हैं वो आपके प्रिंटर से, या आप जानते हो तो आप डाल दीजिए, या प्रिंटर से पूछ लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर शाइन में 15 डिग्री और 45% का स्क्रीन दे रहा हूँ, ठीक है, इसे हम ओके कर देते हैं।
अभी आप जूम करके देख सकते हैं यहाँ पे हाफ पंप आ चुका है। तो ये हो गया सैन कलर का। फिर हम मजेंटा में जाते हैं और यहाँ पर मजेंटा में भी इसी तरह से मोर ब्लैक एंड वाइट हाफ टोन। यहाँ पर हम मजेंटा को 75% डिग्री दे देते हैं और वही 45% पर इंच में हम हाफ टोन देंगे। ठीक है, ओके। तो इस तरह से मजेंटा में हाफ टोन आ चुका है, देख सकते हैं आप। उसके बाद येलो, येलो में भी इसी तरह से आप देख सकते हैं। हाँ, येलो में हम 0 डिग्री देते हैं और इंच पर इंच 45 लाइंस पर इंच में हम 45 देते हैं। ओके, तो ये इस तरह से येलो का हो चुका है हाफ टोन। और लास्ट में हम ब्लैक में देंगे बिटनेप मोर ब्लैक एंड व्हाइट पर इंच। ब्लैक में देंगे हम 45 डिग्री और 45 लाइंस पर इंच में आप राउंड। ठीक है, और हम इसे कर देते हैं ओके। तो ये इस तरह से हम CMYK का सेपरेशन कर चुके हैं और ये चारों पेज साइन मजेंटा येलो एंड ब्लैक। इससे आप इंकजेट प्रिंटर पर या इमेज सेटर पर आप इसका फिल्म निकाल कर और इसकी स्क्रीन प्रिंट के लिए आप फ्रेम बनवाने दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप CMYK का सेपरेशन कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही एकदम ही इजी है और ये इतना हार्ड नहीं है। बस थोड़ा आपको याद रख लेना है कि हाफ टोन किस तरह से देना है और कितना परसेंट किस में लगेगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।